ऐसी होती है जिससे आदमी स्वयं चमकता है। अब किसी ने क्रीम लगाई है तो वो ही चमकेगा, लेकिन गीता से जो चमक आएगी उससे आपके आसपास वाले भी चमकेंगे। जैसे भाई साहब के पास बैठे होने से मैं चमक रहा हूं, तो यहां श्रीमद् भगवत गीता एक दिव्य प्रसाद है। और एक बात सच बताता हूं, श्रीमद् भगवत गीता के प्रति प्रेम था, श्रद्धा थी, और कभी कभी उसका आश्रय भी करता था, लेकिन यह सोच करके कि भाई आज ये पाठ कर लो उनकी मुक्ति हो जाएगी, आज ये कर लो उनकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जीवन में हर दिन श्रीमद् भगवत गीता जरूरी है, ये मुझे भी आप लोगों के पास आते जाते रहने से समझ में आता है। तो आप सबको प्रार्थना करता हूँ, मजबूती से श्रीमद् भगवत गीता को पकड़े रहिए। आप सब लोगों को, आप सब लोगों को यहाँ इतना बड़ा अवसर मिला है, आप लोगों के ऊपर कौन से संत की कृपा है ये तय करना भी मुश्किल है, आपके ऊपर कौन से देव की कृपा ये तय करना भी मुश्किल है, कौन से ऋषि मुनि महात्मा की कृपा ये भी निश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो काम आप लोगों के द्वारा हो रहा है वो काम बिल्कुल भी साधारण नहीं है, बिल्कुल भी साधारण नहीं है। देखिए, यह जो श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार का पठन पाठन का कार्य है, इसकी भावना भगवान श्री कृष्ण के हृदय में नहीं थी। भगवान ने तो अपने मित्र से बातचीत करी, अब आप अपने मित्र से बातचीत करें तो आप थोड़ी चाहेंगे कि वो उसको भी पता चले, उसको भी पता चले। लेकिन श्री वेदव्यास जी ने देखा कि यह वार्ता सर्वोपकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है, उन्होंने उसे प्रकट किया। श्री वेदव्यास जी के द्वारा जब ये प्रकट हुई, तब श्री विदुर जी महाराज के मन में आया कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जब किसी भक्त के मन में कल्पना होती है कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो फिर भगवान को भी उसमें हाथ बटाना पड़ता है। तो हम लोगों का जो ये गीता प्रचार प्रसार का कार्य, इस पूरे कार्य में कहीं ना कहीं ठाकुर जी हमारे साथ लगे हुए, तब जाकर के ये कार्य ऐसा सुगंधित हो रहा है, इतना दिव्य हो रहा है। और भगवान की प्रियता प्राप्त करने का इससे सुंदर कार्य तो कोई है ही। आपको पता है, भाई साहब की ओर से जब भी संकेत मिलता कि यहाँ पर आना है, ऐसा करना है, तो बिना कोई ये एक दो बात कहे कि नहीं अभी तो ये अभी तो वो है, सीधा सीधा आ जाता हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो एक पद की पंक्ति हमारे बहने भी आपको सुनाती होंगी, गीता निजगर मारो रे, गीता ज्ञान प्रचारक मारो प्रीतम प्यारो रे। भगवान ने कहा है जो गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है वो मेरा प्रियतम प्यारा है। तो ये बात में रत्ती भर भी फेरफार नहीं, एकदम सही बात है, एकदम खरी बात है कि सचमुच जो गीता ज्ञान का प्रचार करता है वो भगवान का लाडला है। तो जो भाई लोग लगे उनको भगवान का लाडला बनने का सौभाग्य मिला है, और अपने माँ बाप की लाडली तो सब बहनें होती हैं, लेकिन जो ये हमारी माताएं भगवान के इस गीता ज्ञान के प्रचार में लगी है, ये भगवान की लाडली है। अपने पिता की लाडली तो सब होती है, ये परम पिता की लाडली है। इसलिए जो और बहनें उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आपको भी भगवान की लाडली बनना है तो आप भी इस गीता ज्ञान के काम में लग जाए, इसके प्रचार के कार्य में लग जाइए। आप सब बहनों का मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। किसी समय देश में ऐसा समझा जाता था कि जो माताएं बहने हैं वो चूल्हा चौके से आगे कुछ जानती नहीं, और खास करके हमारी मारवाड़ी महिलाओं के लिए, माताओं के लिए तो कहा जाता था कि चूल्हा चौका घर गहना बस इन बद तो की नहीं आवे। पर अब ये बदल गया, अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बहनों को चूल्हा चौका गहना नहीं, गीता का ज्ञान भी आता है, और गीता का ज्ञान पढ़ाना भी आता है, सिखाना भी आता है। किसी के मन में कल्पना नहीं कि जो घर गृहस्थी में लगी हुई बहने हैं वो इस प्रकार से गीता ज्ञान का प्रचार कर सकती है। यहाँ पर बहुत सारी बहने हैं जिनसे मैं भी परिचित हूँ, उन सबको जब शुरू में देखा था, बचपन में जब देखा था, तो नहीं लगा था कि ये कभी इनके द्वारा ऐसे कार्य भी होंगे, लेकिन आज देख करके उनके प्रति श्रद्धा से सिर झुक जाता है कि श्री ठाकुर जी ने उन्हें कैसा अपना यंत्र बनाया है।
और बेटा गीता ज्ञान का प्रचार करवा रहे हैं। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। कथा का समय नहीं होता तो मैं और आप लोगों के साथ में बैठता, अपने आप को और धन्य करता, लेकिन ठाकुर जी ने मुझे ये अवसर दिया, ये भी मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सायदास जी महाराज की वहाँ कथा चल रही है, आज हम लोग भी आप लोगों की प्रेरणा से वहाँ श्रीमद् भगवद गीता की जयंती का एक छोटा सा भाव रखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता का पूजन करेंगे, क्योंकि कथा में भी बहुत समय हो जाता है, इसलिए संपूर्ण भगवद गीता का नहीं लेकिन बार बार 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ वहाँ भी हम लोग करेंगे। आप सब लोगों के लिए खूब खूब मंगल कामना करता हूँ। आप लोगों का काम यह खूब खूब बढ़ता जाए, इतना बढ़ता जाए, इतना बढ़ता जाए कि इस बार यहाँ आयोजन यहाँ कर रहे हैं, अगली बार ये किसी बड़े मैदान में करें, ऐसा ऐसा। और मेरे को आप लोगों के बीच में आने का और आप लोगों की